एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ जो लुक आप देख रहे हो इसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैंने सिर्फ स्टेक वर्की के कुछ प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं। स्टेक वर्की से याद आया कि अभी मैंने देखा स्टेक वर्की ब्रांड पे चल रहा है, 95% ऑफ चल रहा है। ये ऑफर सिर्फ दो दिन तक वैलिड है, मंडे ट्यूजडे, मंडे तो आज है ही, कल तक और है। सो अगर आप चाहते हैं इस ऑफर का फायदा उठाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग फटाक से जाइए और शॉपिंग कर लीजिए जो जो आपका मन करे। अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो आपको सिर्फ 20% ऑफ मिलेगा, लेकिन जो लिंक मैंने दिया है अगर आप उसके थ्रू जाओगे तो आपको मिल जाएगा 45-55% तक ऑफ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसे अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। और ये मांग टीका नहीं है, ये मेरी इयरिंग है, इसको मैंने जुआड़ू मांग टीका बनाया हुआ है। सो कैसा लगा भी आपको लगे हाथ बता देना, ठीक है। सो चलो वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ स्टेक वर्की का प्राइमर, ये काफी अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर और काफी बजट फ्रेंडली है। इस ब्रांड पे हमेशा अच्छी खासी डिस्काउंट चलती रहती है, तो जहाँ जहाँ पसीना आपको ज्यादा होता है वहाँ वहाँ आप लगा लो, वहाँ ज्यादा फोकस करो। तो इसे लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दो ताकि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की की सीसी क्रीम, एक काफ़ी अच्छी सीसी क्रीम है, इससे आपके फेस पे एक अच्छा सा साइन भी रहता है। इसकी प्राइस, मेरा सेट सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो अब मैं रियल टेक्निक के ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। यह है रियल टेक्निक का फेस एक्सपर्ट ब्रश। अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप सेकेंड कोट अप्लाई कर सकते हो। अब मैं पूरे बेस को सेट करने के लिए यूज करूँ स्टेक वर्की का कम्पैक्ट। स्टेक वर्की ब्रांड में कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं है, सो मैं यहाँ पर आईज के लिए यूज कर रही हूँ स्टेक वर्की का सुपर मैट लिपस्टिक। मेरा शेड है बूस्ट माई मूड 21, काफी अच्छा पिंक शेड है, तो मैं यहाँ पर पिंक शेड अप्लाई करूंगी। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ स्टेक वर्की का कम्पैक्ट, इसे थोड़ा सा सेट कर दूं क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इसे सेट कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आईलाइनर के लिए यूज कर रही हूँ स्टेक वर्की का बैड एस लिक्विड आईलाइनर। मेरा शेड है बैड एस ब्लू 2। पिंक पे ब्लू का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। अब मैं यहां पर काजल के लिए यूज करूँ स्टेक वर्की का आई लव यू 2 काजल। कितना प्यारा नाम है ना। ये है मेरा शेड है ब्लैक। पैकेजिंग काफी अच्छी है, फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज कर रही हूँ। एक आईलाइनर ब्रश की हेल्प से इस लिपस्टिक को लेकर अपने काजल के नीचे से स्मज कर लूंगी। तो ब्लश के लिए भी मैं यही शेड अप्लाई करूंगी, थोड़ा सा लेना है फिंगर की हेल्प से। ये देखिए स्माइल, एक ब्रश की हेल्प से तुरंत ही इसको ब्लेंड कर लेना है। लिक्विड लिपस्टिक ऐसे ना यूज करें, नहीं तो ड्राई हो जाती है तुरंत। तो ये देखिए कितनी अच्छे से ब्लेंड हो गया। मैं अपनी आईब्रो के लिए यूज कर रही हूँ स्टेक वर्की आई लव यू 2 काजल। एक ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करेंगे।
अब मैं लिपस्टिक के लिए भी यूज कर रही हूँ यही स्टिक वर्क की सुपर मैट लिपस्टिक। अब मैं इस मैट लिपस्टिक के ऊपर यूज करी स्टिक वर्की की लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 19, जिससे मेरा लिपस्टिक काफी लॉन्ग लास्टिंग रहे। यह है मेरा फाइनल लुक। आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपनी अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। सी यू सून।